सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसमें महिलाओं को उनके प्रोडक्ट के हिसाब से या वो किस तरह से सक्षम है, किस तरह की उनमें कुशलता है, वे कार्य सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा, ताकि महिलाएं घर में रहकर भी काम कर सकें। ऐसे ही एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें गोपाल समूह, माँ संतोषी समूह, इस तरह के कई समूह हैं जिनमें स्कूल की ड्रेस इन समूह के द्वारा बनवाई गई और इनमें से लाखों रुपए निकाले गए। लेकिन जो समूह के महिलाएं हैं, जो समूह वाले हैं, उनका कहना है कि इस तरह का कोई कार्य उन्होंने लंबे समय से नहीं किया है। ऐसे ही इस समय हम आपचंद गांव में आए हुए हैं, जहां माँ संतोषी और गोपाला समूह जैसी महिलाओं के अध्यक्ष और सचिव हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि 2013 में और 2016 में 8 साल पहले उनका समूह बना था, उस समय करीब 1 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। तो सबसे पहले इस समूह की जो अध्यक्ष है जानकी साहू, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने उनका समूह कैसे शुरू हुआ था और अभी क्या काम कर रही हैं। आपके समूह का क्या नाम है? माँ संतोषी। अच्छा, कब बना था ये आपका समूह? 2013 में बनाया था, फिर बंद हो गया। हाँ। अब फिर से चालू करा है। अच्छा। हाँ। तो ये अभी जो ड्रेस वाली बात सामने आ रही कि आप लोग, आपका जो समूह है, इसमें 500 से अधिक ड्रेस बनवाई गई हैं, तो ऐसा कोई काम आप लोगों ने किया है? नहीं, ड्रेस नहीं बनवाई, नहीं हम औरों को बनावो आते। अच्छा, क्या काम करती हैं? हम पशुपालन करते हैं और बड़ी बनाते हैं। अच्छा। हाँ। तो जब आपका समूह शुरू हुआ था, उस समय कोई कार्य किया गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं किया गया। ये दरी का बताया था कुछ? दरी का बताया था, वो बहुत पहल का है, जब लीलाधर सरदार थे उनने कराया था, और हम ही ने कहा पूरे गांव ने करूँ तो जब है तो ये अभी जैसे आपने बताया कि बीड़ी का काम कर रही हैं, तो बीड़ी का काम तो बहुत मेहनत का होता है। जैसे पहले आप जब मौसम आता है तो तेंदू के पत्ते तोड़ने जाती हैं, फिर उसके बाद कटाई छटाई से लेके 2-3 दिन में 1000 बीड़ी बनती है, और फिर इसका 120 रुपए आप लोगों को मिलता है। हाँ, 120 रुपया मिलता है। तो हफ्ते में कितना कमा लेती? अब जो सोच ले के 3 दिन में 1000 बनाई तो 8 दिन में 2-2.5 हजार बना ली। तो फिर कैसे खर्च चलता है, क्या कुछ परेशानी होती? हमें 600 रुपया महीना के मिलते हैं जी, वो में चलाते हैं, और 300 की बीड़ी बना ली हफ्ता में, तो ये में चलाते हैं, और कछु पशुपालन रखे हैं तो अपना दूध दूध में चलाते हैं। तो अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं, उन लोगों से आपको सहयोग मिल रहा है या और कुछ फिर परेशानी हो रही? हमारा 3 बहू हैं, 3 लड़का हैं, और सब 3 ही बहुओं के 2-2 नाती पोता हैं, मनो सब न्यारी न्यारी हैं। मन चाहे तो रोटी दे दे, नहीं चाहे तो नहीं दे, न्यारो पूत पड़ोसी दाका जी। तो फिर इसी से जैसे बिड़ी हो गई और गाय वगैरह है, और थोड़ी बहुत खेती भी है कुछ? हाँ, खेती भी है। तो इस सब से फिर आपका खर्च चलता है? यही से चलता है, खेती पाती से चलाते हैं और बिड़ी से चलाते हैं। अब जैसे ये आपका जो समूह है 8 साल पुराना माँ संतोषी, तो इसमें आप चाहती हैं कि कुछ काम मिलना चाहिए, ताकि आपकी जैसे अब ये बिड़ी है तो बिड़ी में श्वास का भी खतरा रहता है, जो जर्दा रहता है इससे, तो ऐसा काम मिले हमारे लाने के, जो अब हमारों की उम्र ज्यादा हो गई, ज्यादा मेहनत को काम नहीं कर सकत, बैठे बैठे को मिले तो कर ले, और ड्रेस मेरे से बना नहीं सकत कैसे, के हमारों को कम भी दिख रहा है तो कहूँ की ड्रेस कम। अब मशीन तो ऐसी है भैया, शुरू से चला तो चला वो आते, और शुरू से नहीं चला तो मशीन चला वो नहीं आते। ये जो माँ संतोषी समूह है, स्व सहायता समूह है, उसकी अध्यक्ष थी जानकी साहू। हमारे साथ इसी समूह की जो सचिव हैं मीराबाई, वे भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं वो क्या काम करती हैं, कि क्या काम करती हैं माँ? जय बीड़ी हम बना। अच्छा। खेती को करा। कितनी बना लेती हैं एक सप्ताह में बीड़ी? इतना ही बनाऊ, इतना ही हम बना। तो फिर घर खर्च कैसे चलता है? मजबूरी में बीड़ी पड़ता है, ये अपने पशु रखे। तो ये थी माँ संतोषी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष और सचिव। इसको लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात की, तो जिम्मेदारों का कहना है कि जो बात अभी सामने आई है कि माँ संतोषी के नाम पर या अन्य स्व सहायता समूह के नाम पे जो पैसे निकाले गए हैं, वो समूह का नाम गलत नाम है। जो स्व सहायता समूह वो किसी दूसरे गाँव का है, वहां पर ड्रेस का काम किया गया है, लेकिन इस समूह में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। नमस्कार।